हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2, जिसका नाम है फॉर्म फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके 6 पॉइंट हैं। हम सारे 6 पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो डिसएडवांटेज हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके 5 पॉइंट्स हैं और हम ये सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सर CBSE पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड और ऐसे वीडियो देखने को मिले। तो जो सबसे पहला मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो है इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। ये पॉइंट तो हमने इसके जो फीचर्स थे उसमें भी देखा था कि इसमें बहुत फ्यू लीगल फॉर्मेलिटी रहती है, तो उसका जो फॉर्मेशन और क्लोजर है वो बहुत ही आसान रहता है। तो ये हम इसके मेरिट में भी लिख सकते हैं। फॉर्मिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी इजी एज इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन वेरी इजीली। तो ये इसका एक मेरिट यानी कि एडवांटेज हो गया। जो इसका सेकेंड मेरिट है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। अ सोल प्रोप्राइटर हैव फ्रीडम इन मेकिंग डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग इज क्विक बिकॉज देर इज़ नो नीड टू टेक ओपिनियन फ्रॉम अदर। हमने जो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था कि इसकी डेफिनेशन में कि दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, यानी कि जो भी मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस हैं वो सोल प्रोप्राइटर यानी कि जो ओनर है बिजनेस का, वो अकेले लेता है और इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता और उसको किसी से ओपिनियन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये उसको एक एडवांटेज देता है कि इस टाइप के बिजनेस में डिसीजन बहुत ही जल्दी ले लिए जाते हैं, यानी कि कोई डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये भी इसका एक मेरिट हो गया। जो इसका थर्ड मेरिट है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। सोल डिसीजन मेकिंग हेल्प्स द सोल प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। अ सोल प्रोप्राइटर नीड नॉट शेयर द सीक्रेट्स ऑफ ए बिजनेस विद अदर्स। तो ये भी इसके हम डेफिनेशन को लिंक कर सकते हैं कि जैसे कि बिजनेस के सारे डिसीजन सोल प्रोप्राइटर अकेले लेता है, तो उसको किसी से भी कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसके बिजनेस का, वो खुद के साथ रख सकता है और किसी से भी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो उसके पास रहता है। तो ये भी इसका एक मेरिट है कि इसमें जितना भी बिजनेस का डेटा है वो सारा, जो भी सीक्रेट है बिजनेस के, जो भी उसके मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो सब कॉन्फिडेंशियल हैं और कोई लीक नहीं हो सकते मार्केट में। जो इसका फोर्थ मेरिट है वो है पर्सनल टच। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द सोल प्रोप्राइटर मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स, सो ही कैन मेक चेंजेस इन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर एंड इंक्रीज द सेल्स। आपने देखा होगा आपके जो कॉलोनी या आपके जो कॉलोनी या घर के पास जो मतलब रिटेल शॉप होंगी, यानी कि जो किराने की दुकान होगी, उनमें जो मतलब जो उनका ओनर रहता है वो आपके साथ पर्सनल टच रखता है, और कोई भी अगर फेस्टिवल आता है तो वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट लाता रहता है। मतलब जिस उसको पता होता है कि जिस चीज़ की डिमांड जब ज़्यादा बढ़ेगी, या अगर आप उसको कुछ कुछ मतलब सुझाव देते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट लाइए, तो वो प्रोडक्ट आपको ला के देता है। तो ये सब वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका पर्सनल टच रहता है कस्टमर के साथ, क्योंकि वो रोज़ कस्टमर से मिलता है, उसे पता है कस्टमर का जो टेस्ट है या प्रेफरेंस है उस एरिया का, उसको उसके बारे में पूरी जानकारी है। तो ये भी एक मेरिट है सोल प्रोप्राइटर का कि उसका पर्सनल टच बना रहता है कस्टमर के साथ। जो इसका फिफ्थ मेरिट है वो है सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो स्मॉल स्केल के लिए बहुत ही सूटेबल है, यानी कि बहुत ही अच्छा है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। इट इज सूटेबल फॉर पीपल विद लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटर है वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। वो इसलिए एक्सेप्टेबल क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम लगती है, तो रूरल जो पीपल है वो भी इसे आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं पैसे, और ऐसा ही बहुत से लोग करते हैं, और ऐसे छोटे मोटे बिजनेस बहुत लोग डाल लेते हैं और इसे बहुत सारा अर्न कर रहे हैं। इसका जो सिक्स्थ मेरिट है वो है डायरेक्ट इंसेंटिव। अ सोल प्रोप्राइटर इज द सोल रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, यानी कि जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है वो उसका अकेले का प्रॉफिट है, क्योंकि पूरा बिजनेस का कैपिटल था वो उसने अकेला लगाया है, पूरे मैनेजमेंट के डिसीजंस थे वो भी उसने अकेले लिए हैं। तो देयर इज़ नो नीड टू शेयर प्रॉफिट विद अदर, तो उसको किसी और के साथ अपना जो प्रॉफिट है शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू शेयर सोल प्रोप्राइटर टू वर्क हार्डर, और जो वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता आता है और वो उसको किसी का शेयर भी नहीं करना, तो ये उसको और ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहन मतलब और कॉन्फिडेंस देता है उसे और आगे बढ़ने के लिए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए।
तो अब हम सारे पॉइंट्स एक साथ वापस को एक रिवीजन कर लेते हैं। पहला था इसका मेरिट, वो था इजी टू फॉर्म ए क्लोज। ये हमने फीचर में देखा था कि इसके बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटी रहती है, तो बहुत ही आसान है फॉर्म करना और क्लोज करना भी बहुत ही आसान है। फिर दूसरा था कोई डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ बिजनेस अकेले सोल प्रोप्राइटर मैनेज करता है, तो इसको किसी से कुछ कुछ मतलब ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, वो अकेले सारे डिसीजन ले सकता है। तीसरा पॉइंट है वो था कॉन्फिडेंशियल, सोल प्रोप्राइटर पूरा बिजनेस जो है अकेले मैनेज करता है, तो उसका जो डेटा है जो उसके बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, उसको किसी के साथ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है और वो मार्केट में लीक नहीं हो सकते। इसमें सोल प्रोप्राइटर में कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, जो कि इसका मेरिट है। जो फोर्थ पॉइंट हमने देखा था वो था पर्सनल टच, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसका उसके कस्टमर के साथ पर्सनल टच रहता है, जो कि उसको प्रॉफिट और अर्न करने में फ़ायदा करता है, क्योंकि वो कस्टमर का टेस्ट डिफरेंट जान चुका होता है और वो इस मेथड से अपना सेल इंक्रीज कर सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। जो फिफ्थ इसका मेरिट था वो था सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही एक्सेप्टेबल है स्मॉल स्केल के लिए, यानी कि जो लोग लिमिटेड कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो इसका सिक्स्थ मेरिट था वो है डायरेक्ट इंसेंटिव, यानी कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेस का उसे किसी के शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और ये उसको और ज़्यादा वर्क करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के जो डीमेरिट्स है यानी कि जो डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। इसमें भी हम एक एक करके सारे डीमेरिट देखेंगे, उसके बाद हम सारे डीमेरिट्स को एक साथ देखेंगे। जो इसका पहला डीमेरिट है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज लिमिटेड एज देयर आर लिमिटेड सेविंग्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम अदर्स। बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस डू नॉट गिव लोन रेडिली टू सोल प्रोप्राइटर। हमने ये इसके फीचर में पढ़ा था कि जितने भी इसके कैपिटल है वो सोल प्रोप्राइटर अकेले कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो जिसकी वजह से लिमिटेड यानी जो रिसोर्सेज है बिजनेस की वो बहुत ही लिमिटेड रह जाती हैं, क्योंकि वो एक अकेले पर्सन की सेविंग और बोरोइंग्स रहती हैं। और जो बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशन है वो भी सोल प्रोप्राइटर को लोन नहीं देता है, क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि उसका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा ही और वो जो बैंक और इंस्टीट्यूशन का पैसा है वो वापस दे सकता है। तो इसकी वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रहती हैं और प्रॉफिट का मार्जिन भी बहुत कम रहता है, तो ये एक उसका डिमेरिट है। तो दूसरा डिमेरिट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी हमने उसके डिमेरिट में देखा, ये भी हमने उसके फीचर्स में देखा था कि लायबिलिटी जो होती है सोल प्रोप्राइटर में वो अनलिमिटेड होती है। एंड इम्पॉर्टेंट डिमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट द ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इफ द बिजनेस फेल्स द सोल प्रोप्राइटर विल हैव टू सेल ऑल द बिजनेस एसेट्स एंड पर्सनल एसेट्स टू पे बैक द डेब्ट। यानी कि अगर जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो कम पड़ जाएँ तो जो पर्सनल एसेट्स हैं सोल प्रोप्राइटर के उसको उन्हें यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो बिजनेस के डेब्ट्स को पूरी तरह क्लियर कर सके, तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डीमेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब हम इसका थर्ड डीमेरिट देख लेते हैं, वो है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, यानी कि द ओनर हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेसिंग सेलिंग फाइनेंसिंग एक्सेट्रा, दस डिसीजन मेकिंग मे नॉट बी बैलेंस्ड विच मे लीड टू रॉन्ग डिसीजंस, द सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने इसके फीचर में पढ़ा था कि जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट रहता है वो सोल प्रोप्राइटर अकेले ही पूरा काम देखता है, यानी कि परचेजिंग सेलिंग फाइनेंसिंग इन सब से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो सोल प्रोप्राइटर अकेले लेता है। पर सोल प्रोप्राइटर जो एक पर्सन अकेला पर्सन होता है वो हर मतलब हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, किसी न किसी फील्ड में वो पीछे होगा जिसके वजह से बिजनेस में रॉन्ग डिसीजन होंगे और उसके वजह से बिजनेस को लॉस भी होगा। तो ये इसका डीमेरिट है कि इसमें मैनेजरियल स्किल बहुत कम रहता है और मतलब लिमिटेड रहता है, और जो सोल प्रोप्राइटर है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहता कि वो जो जो एक्सपर्ट होते हैं उन लोगों को एम्प्लॉय कर सके और उनको, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा रहती है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। ये भी हमने पढ़ा था फीचर्स में कि द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस लैक्स कंटिन्यूटी, तो द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस लैक्स कंटिन्यूटी, डेथ इन्सॉल्वेंसी इंसैनिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस एंड मे इवन लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए या वो इन्सॉल्वेंट बन जाए या इंसैनिटी हो जाए तो सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा उसको और उसका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो इसका फिफ्थ डीमेरिट है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सबसे पहले हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब समझ लेते हैं। इट मींस लोअर कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी कि अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कि आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, लेबर हैं, मैनेजर्स हैं, सब है आपके पास, यानी कि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन अंडरटेक कर रहे हैं, तो आपका जो एक पर यूनिट यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट को
जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका जो पर यूनिट कॉस्ट होगा वो लो हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप एक बिस्किट का पैकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट आप पहले थी 15 रुपीज़, पर आपने अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन अंडरटेक कर लिया है तो अब जो उसकी कॉस्ट हो जाएगी वो घट जाएगी, यानी कि वो 12 या 10 रुपीज़ कुछ हो जाएगी तो पर यूनिट पर, और एक एक पैकेट पर आपको फ़ायदा होगा 3 से 5 रुपये का, यानी कि जो आपकी पर यूनिट की कॉस्ट थी वो बहुत ही कम हो जाएगी। बट सोल प्रोप्राइटरशिप इज रन ऑन स्मॉल स्केल, हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटर में जो कैपिटल है वो सोल प्रोप्राइटर अकेले प्रोवाइड करता है, तो ये स्मॉल स्केल पर रन होता है। देयरफॉर इकोनॉमी रिजल्टिंग फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज नॉट अवेलेबल, तो सोल प्रोप्राइटर तो स्मॉल स्केल में होता है पर जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में मिलती है, तो सोल प्रोप्राइटर को इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाता है। अब हम जल्दी से सारे इसके डीमेरिट वापस देख लेते हैं। जो सॉफ्ट डीमेरिट था वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में जो पूरा जो कैपिटल है वो सोल प्रोप्राइटर अकेले प्रोवाइड करता है अपनी सेविंग्स और बोरिंग से, जिसकी वजह से रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रहती हैं और बैंक और जो इंस्टीट्यूशन है वो भी उसको लोन नहीं देते हैं रेडीली। फिर जो दूसरा पॉइंट था वो था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो हमने फ्यूचर में देखा था, अगर बिजनेस का एसेट कम है तो सोल प्रोप्राइटर को उसके खुद के एसेट भी बेचने पड़ सकते हैं बिजनेस का डेप्ट क्लियर करने के लिए। तीसरा था लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं तो जिसकी वजह से मैनेजरियल स्किल है वो भी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर को सारे बिजनेस के डिसीजन अकेले लेना पड़ते हैं और वो किसी भी मैनेजर को अपॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं और उनके प्रोफेशनल्स होते हैं और उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। जो इसका फोर्थ डीमेरिट था वो था लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि इट लैक्स कंटिन्यूटी, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो जाए तो बिजनेस क्लोज हो सकता है। जो फिफ्थ था वो था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी स्केल, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है वो स्मॉल स्केल पर होता है तो इसको जो लार्ज स्केल से जो बेनिफिट मिलता है इकोनॉमी स्केल का वो नहीं मिल पाता है। थैंक यू।